में रविवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने चामुंडा मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला कर दिया। बेहोश होने पर रुपए से भरी दान पेटी लूट ले गए। सोमवार सुबह मंदिर के महंत के आने पर पुजारी खून से लथपथ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंदिर के 100 मीटर की दूरी पर नाई की मंडी थाना है। रात को यहां भंडारा था। भंडारे के बाद पुजारी चंद्रशेखर धाकर परिसर में ही सो गया। उसके पास चढ़ावे के हजारों रुपए रखे थे। सुबह 3:15 पर ही पास ही पथवारी मंदिर के महंत पप्पू उनसे मिलने मंदिर गए। मंदिर के फर्श पर खून के धब्बे थे। पुजारी घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। पुलिस ने मंदिर में लोगों के जाने पर रोक लगा दी। जांच शुरू कर दी गई। पुलिस के अनुसार घटनास्थल देखकर पुजारी के साथ संघर्ष के सबूत मिले। उसके पास रुपए नहीं थे। एसपी सिटी विकास कुमार के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को ढूंढकर जेल भेजा जाएगा। अपराधी लगातार पुलिस की नाक के नीचे वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रवार रात को थाना सिकंदरा के पास चोरी, शनिवार को ताजगंज थाने में चौकी के पास 2 बाइक लूटी गई थी। जिस जगह मंदिर में चोरी हुई है वहां 100 मीटर पर थाना और चौराहे पर पुलिस पिकेट तैनात रहती है। डाल 112 की PRV भी इसी लोकेशन पर रात भर मौजूद रहती है। इसके बाद भी बदमाश दान पेटी लूट कर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।